नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक माला देना जी। कब से कब तक लगाते हो अंकल जी? इसमें थैली में डाल देना एक अंकल जी। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहती है आपकी लगाने की? हमारी जी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ। छुट्टी भी करते हो किसी दिन की? छुट्टी भी करते हैं जी। हम तो ज़्यादा ये होली से 2-3 दिन और बाद में लगाएंगे और उसके बाद तो आज जैसे त्यौहार है। हाँ। तो आज भी 6 बजे तक ही रहोगे आप? आज भी 6 बजे तक ही रहोगे? त्यौहार वाले दिन भी थोड़ा लेट भी हो सकता। पूजा वूजा भी करनी होती है ना, वो लक्ष्मी पूजन की। हाँ जी। ये भी तो बेचना पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं। हाँ ये तो है ही, ये बिल्कुल काम भी ना तो कुछ है ही नहीं। हाँ काम तो पहले नंबर पे है। बिल्कुल जी, यही कह रहा था सर। कितने हो गए सर? कितना चार्ज? 20 रुपये। लो अंकल जी, खुल ले दो। कोई नहीं, लग पकड़ो, रखो आप। दिवाली है ना, कोई नहीं, दिवाली मनाओ आप मेरी तरफ से। और ये एक आपके लिए मिठाई, बच्चों के साथ है ना, आराम से सेलिब्रेट करवा दिवाली, ठीक है? और खुश रहो हमेशा, अच्छी तरक्की करो और हैप्पी दिवाली अगेन। ठीक अंकल जी, बाय। क्या नहीं, कोई नहीं, रखो आप ही, ये आपके लिए ही है, ठीक है? आप रखो इनको अपने पास। नमस्कार आंटी जी। लक्ष्मी जी की मूर्ति है? नहीं, बड़े वाली जो दीवारों पे लग जाती है वो वाली। फ्रेम में हो कोई? शिवलिंग बड़ा भी इसे? शिवलिंग बड़ा है इसे? क्या? ओके। पूजन का सामान हो? पूजन का सामान कोई और कुछ नहीं? कितने बजे तक बैठा करो यहाँ पे? कितने बजे तक बैठते हो रोज, या भी दिवाली के टाइम पे लगे हो? दिवाली, ये वाली मूर्ति कितने की? ये वाली दिखाना एक बार। हाँ दिखाना एक बार। लो इतने पैक कर दो एक बार, थैली हो ना तो थैली में डाल देना। लोन पे दिए रखा आप है ना, ये रख लो। कोई नहीं आंटी जी, रखो, दिवाली है, त्योहार है। और आंटी जी बालक बच्चे वो नहीं करते काम? अच्छा, शादी कर रखी बच्चों की? शादी कर रखी है? हाँ। कितने साल हो गए? 13-14 साल। ठीक है। अब आप यहाँ कब से बैठने लगे थे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पहले? पहले तो घर पे। ठीक है, जिस लोग मेरी कभी जरूरत हो ना, जो कार्ड है मेरा, जो सुनारिया चौक है ना अपना। हाँ। यहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल, इसमें आप कभी भी आ सकते हो मेरे पास ही।
फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, फ्री फ्री सब कुछ इलाज। और एक ये आपके लिए दिवाली की मिठाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक आंटी जी, खुश रहो। हाँ ठीक आंटी, thank you.
सिटी वगैरह का कवर कर लेना, ठीक है। सबसे शोभा न्यारी बांके बिहारी बलिहारी मेरे Okay.
धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया। भूतानंद सूर्यवंशी। सर, आज का ये वैक्सीनेशन किन की तरफ से चला हुआ है? आज का ये वैक्सीनेशन कैंप यहाँ नई सब्जी मंडी में रुद्राक्ष सेना हरियाणा और खिलते चेहरे सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। आपने अभी तक कितने कैंप चलाए? ये हमारा टीम का चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले यहाँ अप्रैल महीने में यही मंडी में लगाया गया था और एक कैंप हमने सेक्टर 4 महादेव मंदिर में लगाया था और ये हमारा आज फिर यहाँ पे चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। तो सर, आज नई अनाज मंडी के अंदर कैंप चला रखा आपने वैक्सीनेशन का, ये आम लोगों के लिए भी है या फिर जो अनाज मंडी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए? यह सभी के लिए है। संयुक्त रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह यहाँ पर लेबर क्लास जो कि यहाँ इंजेक्शन से वैक्सीन से वंचित रह गई थी उनको लगवाने का प्रयास है, क्योंकि इनके हाथों से ही हर घर में चीज़ें सब्जी अनाज पहुँचता है तो इनका लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह की बीमारी ना फैले ये हमें ध्यान रखकर आज हमने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया। तो महाराज जी, एक और क्वेश्चन हमारा, 3 महीने का गैप क्यों रखा जाता है वैक्सीनेशन कैंप? 3 महीने का वैक्सीनेशन में गैप कोविड शील्ड वैक्सीन में रखा जा रहा है, दूसरा कोवैक्सीन है उसमें 1 महीने का है। ये जो इसकी लगाने की डोज है उसका असर लोगों तक सही रूप में पहुंचे उस लिए ये लगाया जा रहा है 3 महीने का गैप। आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के जरिए? मैं आज इस कैंप के जरिए सभी लोगों को यह अनुरोध करता हूं, जो आज तक वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं वो समाज में सहयोग दें। जहां भी उनके नज़दीकी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं वहां वैक्सीन जरूरी लगाएं, ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीन के बिना कोविड में आप किसी भी तरह से इसकी आप बीमारी से रोकथाम नहीं कर सकते। कोविड शील्ड या कोवैक्सीन कोई भी लगी होगी तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता पा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आज रुद्राक्ष सेना हरियाणा, खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और स्वामी जी के सानिध्य में आज सभी
चौथा वैक्सीनेशन कैंप आज यहाँ सब्जी मंडी में लगाया गया है हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जो समय समय पर स्वामी जी के सानिध्य में हमारे धनखड़ साहब, हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू साथी साहिल मग्गू जी, ततयाल साहब, हमारी बहन जी खड़ी हैं, और ये जो वैक्सीनेशन कैंप, मैं विशेष तौर पर इन स्टाफ का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। जब कोरोना के पीक टाइम पर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया, और आज कोरोना की लड़ाई जिसमें हमारे को क्षति भी बहुत हुई है, हम उन जाने वाले जो कोरोना में साथी गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं आगे से हमारे देश के ऊपर परमात्मा रहम करे और सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये समाज का कार्य जिस तरह ये सारी टीम कर रही है, डॉक्टर हिमांशु खड़े हैं आज इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो समय समय रहते ये समाज के लिए कार्य करते हैं, और सभी साथियों के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, जिला महासचिव रुद्राक्ष सेना, फाउंडर खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज हमने यहाँ सब्जी मंडी के अंदर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी है, लगभग 100-150 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। मैं आज के सभी आयोजकों का, महाराज जी का, प्रधान जी का, हमारे जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग जी का, और अजय धनखड़ जी का, डॉक्टर हिमांशु का, और खिलते चेहरे और रुद्राक्ष सेना की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारी मैडम आई हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है, और इसको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं सभी पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक माला देना जी। कब से कब तक लगाते हो अंकल जी? इसमें थैली में डाल देना एक अंकल जी। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहती है आपकी लगाने की? हमारी जी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ। छुट्टी भी करते हो किसी दिन की? छुट्टी भी करते हैं जी। हम तो ज़्यादा ये होली से 2-3 दिन और बाद में लगाएंगे, और उसके बाद फिर तो आज जैसे त्यौहार है। हाँ। तो आज भी 6 बजे तक ही रहोगे आप? आज भी 6 बजे तक ही रहोगे, त्यौहार वाले दिन भी? तो थोड़ा लेट भी हो सकता। पूजा वूजा भी करनी होती है ना, वो लक्ष्मी पूजन की? हाँ जी। हाँ जी, ये भी तो बेचना पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं। हाँ ये तो है ही, बिल्कुल। काम भी ना तो कुछ है ही नहीं। हाँ, काम तो पहले नंबर पे है। बिल्कुल जी, यही कह रहा था सर। कितने हो गए सर? कितना चार्ज? 20 रुपये। लो अंकल जी, खुल ले दो। कोई नहीं, पकड़ो, रखो आप। दिवाली है ना, कोई नहीं, दिवाली मनाओ आप मेरे तरफ से, और ये एक आपके लिए मिठाई, बच्चों के साथ है ना, आराम से सेलिब्रेट करो आप दिवाली, ठीक है? और खुश रहो हमेशा, अच्छी तरक्की करो, और हैप्पी दिवाली अगेन, ठीक अंकल जी? बाय। क्या नहीं, कोई नहीं, रखो आप, ये आपके लिए ही है, ठीक है? आप रखो इनको अपने पास। नमस्कार आंटी जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है? नहीं, बड़े वाली जो दीवारों पे लग जाती है वो वाली, फ्रेम में हो कोई? शिवलिंग बड़ा भी इसे? शिवलिंग बड़ा है इसे? क्या ओके, पूजन का सामान हो? पूजन का सामान
कोई और कुछ नहीं। कितने बजे तक बैठा करो यहाँ पे? कितने बजे तक बैठते हो रोज? या भी दिवाली के टाइम पे लगे हो? दिवाली ये वाली मूर्ति कितने की? ये वाली दिखाना एक बार। हाँ दिखाना एक बार। लो इतने पैक कर दो एक बार। थैली हो ना तो थैली में डाल देना। लोन पे दिए रखा आप है ना? ये रख लो। कोई नहीं आंटी जी, रखो दिवाली है त्योहार है। और आंटी जी बालक बच्चे वो नहीं करते काम? अच्छा अच्छा शादी कर रखी बच्चों की? शादी कर रखी है? कितने साल हो गए? 13-14 साल। ठीक है। अब आप यहाँ कब से बैठने लगे थे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पहले? ठीक है जी। लोग मेरी कभी जरूरत हो ना, जो कार्ड है मेरा, जो सुनारिया चौक है ना अपना, यहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल, इसमें आप कभी भी आ सकते हो। मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, फ्री सब कुछ इलाज। और एक ये आपके लिए दिवाली की मिठाई। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक आंटी जी, खुश रहो। हाँ ठीक आंटी जी।
साइड है हकी वगैरह का कवर कर लेना ठीक है।
धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया। मैं अनभूतानंद सूर्यवंशी। सर, आज का ये वैक्सीनेशन किन की तरफ से चला हुआ है? आज का ये वैक्सीनेशन कैंप यहाँ नई सब्जी मंडी में रुद्राक्ष सेना हरियाणा और खिलते चेहरे सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। आपने अभी तक कितने कैंप चलाए? ये हमारा टीम का चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले यहाँ अप्रैल महीने में यही मंडी में लगाया गया था और एक कैंप हमने सेक्टर 4 महादेव मंदिर में लगाया था और ये हमारा आज फिर यहाँ पे चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। तो सर, आज नई अनाज मंडी के अंदर कैंप चला रखा आपने वैक्सीनेशन का, ये आम लोगों के लिए भी है या फिर जो अनाज मंडी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए? यह सभी के लिए है। संयुक्त रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह यहाँ पर लेबर क्लास जो कि यहाँ इंजेक्शन से वैक्सीन से वंचित रह गई थी उनको लगवाने का प्रयास है, क्योंकि इनके हाथों से ही हर घर में चीज़ें सब्जी अनाज पहुँचता है तो इनका लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह की बीमारी ना फैले ये हमें ध्यान रखकर आज हमने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया। तो महाराज जी, एक और क्वेश्चन हमारा, 3 महीने का गैप क्यों रखा जाता है वैक्सीनेशन के अंदर? 3 महीने का वैक्सीनेशन में गैप कोविड शील्ड वैक्सीन में रखा जा रहा है, दूसरा कोवैक्सीन है उसमें 1 महीने का है। ये जो इसकी लगाने की डोज है उसका असर लोगों तक सही रूप में पहुंचे उस लिए ये लगाया जा रहा है 3 महीने का गैप। आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के जरिए? मैं आज इस कैंप के जरिए सभी लोगों को यह अनुरोध करता हूं, जो आज तक वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं वो समाज में सहयोग दें। जहां भी उनके नज़दीकी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं वहां वैक्सीन जरूरी लगाएं, ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीन के बिना कोविड में आप किसी भी तरह से इसकी आप बीमारी से रोकथाम नहीं कर सकते। कोविड शील्ड या कोवैक्सीन कोई भी लगी होगी तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता पा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आज रुद्राक्ष सेना हरियाणा, खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और स्वामी जी के सानिध्य में आज सभी चौथा वैक्सीनेशन कैंप आज यहाँ सब्जी मंडी में लगाया गया है हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जो समय समय पर स्वामी जी के सानिध्य में हमारे धनखड़ साहब, हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू साथी साहिल मग्गू जी, ततयाल साहब, हमारी बहन जी खड़ी हैं, और ये जो वैक्सीनेशन कैंप, मैं विशेष तौर पर इन स्टाफ का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया और आज कोरोना की लड़ाई जिसमें हमारे को क्षति भी बहुत हुई है, हम उन जाने वाले जो कोरोना में
साथी गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं और परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं आगे से हमारे देश के ऊपर परमात्मा रहम करे और सभी लोग स्वस्थ रहें और ये समाज का कार्य जिस तरह ये सारी टीम कर रही है, डॉक्टर हिमांशु खड़े हैं आज, इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो समय समय रहते ये समाज के लिए कार्य करते हैं और सभी साथियों के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, जिला महासचिव रुद्राक्ष सेना, फाउंडर खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज हमने यहाँ सब्जी मंडी के अंदर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी भी है, लगभग 100-150 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। मैं आज के सभी आयोजकों का, महाराज जी का, प्रधान जी का, हमारे जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग जी का और अजय धनखड़ जी का, डॉक्टर हिमांशु का और खिलते चेहरे और रुद्राक्ष सेना की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो हमारी मैडम आई हैं वैक्सीन लगाने के लिए उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है और इसको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं सभी पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक माला देना जी। कब से कब तक लगाते हो अंकल जी? इसमें थैली में डाल देना एक अंकल जी। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहती है आपकी लगाने की? हमारी जी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक। छुट्टी भी करते हो किसी दिन की? छुट्टी भी करते हैं जी। हम तो ज़्यादा ये होली से 2-3 दिन और बाद में लगाएंगे और उसके बाद फिर। तो आप जैसे त्यौहार है तो आज भी 6 बजे तक ही रहोगे? आज भी 6 बजे तक ही रहोगे त्यौहार वाले दिन भी? थोड़ा लेट भी हो सकता। पूजा वूजा भी करनी होती है ना, वो लक्ष्मी पूजन की? हाँ जी। ये भी तो बेचना पड़ेगा जो पैसे आ रहे हैं। हाँ ये तो है ही, बिल्कुल। काम भी ना तो कुछ है ही नहीं, काम तो पहले नंबर पे है। बिल्कुल जी, यही कह रहा था सर। कितने हो गए सर? कितना चार्ज? 20 रुपये। लो अंकल जी, खुलने दे। कोई नहीं, पकड़ो, रखो आप। दिवाली है ना, कोई नहीं, दिवाली मनाओ आप मेरी तरफ से। और ये एक आपके लिए मिठाई, बच्चों के साथ है ना, आराम से सेलिब्रेट करो आप दिवाली, ठीक है? और खुश रहो हमेशा, अच्छी तरक्की करो और हैप्पी दिवाली अगेन, ठीक अंकल जी? बाय। क्या नहीं, कोई नहीं, रखो आप ही, ये आपके लिए ही है, ठीक है? आप रखो इनको अपने पास। नमस्कार आंटी जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है? नहीं, बड़े वाली जो दीवारों पे लग जाती है वो वाली, फ्रेम में हो कोई? शिवलिंग बड़ा भी इसे, शिवलिंग बड़ा है इसे क्या? ओके, पूजन का सामान हो, पूजन का सामान, कोई और कुछ नहीं? कितने बजे तक बैठा करो यहाँ पे? कितने बजे तक बैठते हो रोज, या फिर दिवाली के टाइम पे लगे हो? दिवाली, ये वाली मूर्ति कितने की? ये वाली दिखाना एक बार। हाँ दिखाना एक बार।
लो इतने पैक कर दो, एक बार थैली हो ना तो थैली में डाल देना। लोन पे दिए रखा आप है ना, ये रख लो। कोई नहीं आंटी जी, रखो दिवाली है त्योहार है। और आंटी जी बालक बच्चे एक तो रहा, पास है, एक वो नहीं करते काम कर रहा भाई, वो अपने बड़का का तो जरा समाज हो। अच्छा अच्छा, शादी कर रखी है बच्चों की? शादी कर रखी है? कितने साल हो गए? 13-14 साल। ठीक है, अब आप यहाँ कब से बैठने लगे थे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पहले? ठीक है अंकल जी, लो मेरी कभी जरूरत हो ना, जो कार्ड है मेरा, जो सुनारिया चौक है ना अपना, यहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल, इसमें आप कभी भी आ सकते हो, मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, फ्री सब कुछ इलाज। और एक ये आपके लिए दिवाली की मिठाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक आंटी जी, खुश रहो। हाँ ठीक आंटी जी,
हॉकी वगैरह का कवर कर लेना, ठीक है। Yeah.
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया। मैं अनभूतानंद सूर्यवंशी। सर, आज का ये वैक्सीनेशन किन की तरफ से चला हुआ है? आज का ये वैक्सीनेशन कैंप यहाँ नई सब्जी मंडी में रुद्राक्ष सेना हरियाणा और खिलते चेहरे सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। आपने अभी कितने कैंप चलाए? ये हमारा टीम का चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले यहाँ अप्रैल महीने में यही मंडी में लगाया गया था और एक कैंप हमने सेक्टर 4 महादेव मंदिर में लगाया था और ये हमारा आज फिर यहाँ पे चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। तो सर, आज नई अनाज मंडी के अंदर कैंप चला रखा आपने वैक्सीनेशन, ये आम लोगों के लिए भी है या फिर जो अनाज मंडी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए? यह सभी के लिए है। संयुक्त रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह यहाँ पर लेबर क्लास जो कि यहाँ इंजेक्शन से वैक्सीन से वंचित रह गई थी उनको लगवाने का प्रयास है, क्योंकि इनके हाथों से ही हर घर में चीज़ें सब्जी अनाज पहुँचता है तो इनका लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह की बीमारी ना फैले ये हमें ध्यान रखकर आज हमने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया। तो महाराज जी, एक और क्वेश्चन हमारा, 3 महीने का गैप क्यों रखा जाता है वैक्सीनेशन कैंप? 3 महीने का वैक्सीनेशन में गैप कोविड शील्ड वैक्सीन में रखा जा रहा है, दूसरा कोवैक्सीन है उसमें 1 महीने का है। ये जो इसकी लगाने की डोज है उसका असर लोगों तक सही रूप में पहुंचे उस लिए ये लगाया जा रहा है 3 महीने का गैप। आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के जरिए? मैं आज इस कैंप के जरिए सभी लोगों को ये अनुरोध करता हूं, जो आज तक वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं वो समाज में सहयोग दें। जहां भी उनके नज़दीकी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं वहां वैक्सीन जरूरी लगाएं, ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीन के बिना कोविड में आप किसी भी तरह से इसकी आप बीमारी से रोकथाम नहीं कर सकते। कोविड शील्ड या कोवैक्सीन कोई भी लगी होगी तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता पा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आज रुद्राक्ष सेना हरियाणा, खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और स्वामी जी के सानिध्य में आज सभी चौथा वैक्सीनेशन कैंप आज यहाँ सब्जी मंडी में लगाया गया है हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जो समय समय पर
स्वामी जी के सानिध्य में हमारे धनखड़ साहब, हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू साथी साहिल मग्गू जी, ततयाल साहब, हमारी बहन जी खड़ी हैं, और ये जो वैक्सीनेशन कैंप, मैं विशेष तौर पर इन स्टाफ का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया, और आज कोरोना की लड़ाई जिसमें हमारे को क्षति भी बहुत हुई है, हम उन जाने वाले जो कोरोना में साथी गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं आगे से हमारे देश के ऊपर परमात्मा रहम करे और सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये समाज का कार्य जिस तरह ये सारी टीम कर रही है, डॉक्टर हिमांशु खड़े हैं आज, इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो समय समय रहते ये समाज के लिए कार्य करते हैं, और सभी साथियों के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, जिला महासचिव रुद्राक्ष सेना, फाउंडर खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज हमने यहाँ सब्जी मंडी के अंदर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी भी है लगभग 100-150 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। मैं आज के सभी आयोजकों का, महाराज जी का, प्रधान जी का, हमारे जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग जी का, और अजय धनखड़ जी का, डॉक्टर हिमांशु का, और खिलते चेहरे और रुद्राक्ष सेना की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारी मैडम आई हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है, और इसको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं सभी पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये सिद्धि विनायक सेवा संस्थान द्वारा गोहाना अड्डा पर आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। यह शिविर यहाँ पर दूसरा शिविर लगा है। पहला शिविर बालोट में लगाया गया था, और जिसमें हमारी ये महिलाएं नेत्री जो हैं ये इनमें योगदान दे रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो महिला इस क्षेत्र में आकर अग्रणी होकर इस कार्य को कर रही हैं वो एक बेहतरीन कार्य है। ये कार्य अब एक व्यक्ति विशेष के लिए ना रहकर महिलाओं का उत्साह भी बढ़ाता है, महिलाएं अपना योगदान भी दे रही हैं। आप और कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर हमारे बीच पहुँचे श्री धर्मवीर शर्मा जी, डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी, सुनीता जी, डॉक्टर अरुणा जी, नेहा शर्मा जी। यहाँ पर जो रक्तदान की जो भूमिका है, लोगों का रक्त देने में सहयोग कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये इस कार्य को अग्रसर होकर करती रहें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, आज आपकी टीम आपके साथ में मौजूद है,
और ये ब्लड डोनेशन कैंप चला रखा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? रक्तदान जो है ये एक महादान होता है, एक यूनिट ब्लड से हम लोग 3 जिंदगियां बचा सकते हैं, और रक्तदान करना दुनिया का सबसे बड़ा महादान, सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। इसका उदाहरण मैं ये भी दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद 27 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, और मुझे ये पता है कि इससे ज़्यादा संतुष्टि हमें किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती है। आज एक्सीडेंट बहुत होते हैं, महिलाओं को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, PGI है चाहे कोई भी प्राइवेट संस्था है, हर जगह पे रक्त की मात्रा हमेशा नीड में रहती है, जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं सबकी डिमांड रहती है। तो इसकी सहायता से हम लोग समाज में बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं, और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग आज के समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि रक्तदान जो है वो महादान है, और इससे बड़ा कोई भी कर्म नहीं होता। नमस्कार। नहीं, बस मैं अपनी तरफ से सिद्धि विनायक संस्था का धन्यवाद करती हूँ, सुनीता जी, नेहा जी, महाराज जी, डॉक्टर हिमांशु जी और शर्मा जी, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। और ये काम कार्य हमें बढ़ चढ़ के करते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया। अनंत सूर्यवंशी। सर, आज का ये वैक्सीनेशन किन की तरफ से चला हुआ है? आज का ये वैक्सीनेशन कैंप यहाँ नई सब्जी मंडी में रुद्राक्ष सेना हरियाणा और खिलते चेहरे सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। जी, आपने अभी कितने कैंप चलाए? ये हमारा टीम का चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले यहाँ अप्रैल महीने में यही मंडी में लगाया गया था, और एक कैंप हमने सेक्टर 4 महादेव मंदिर में लगाया था, और ये हमारा आज फिर यहाँ पे चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। तो सर, आज नई अनाज मंडी के अंदर कैंप चला रखा आपने वैक्सीनेशन, ये आम लोगों के लिए भी है या फिर जो अनाज मंडी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए? यह सभी के लिए है। संयुक्त रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह यहाँ पर लेबर क्लास जो कि यहाँ इंजेक्शन से वैक्सीन से वंचित रह गई थी उनको लगवाने का प्रयास है, क्योंकि इनके हाथों से ही हर घर में चीज़ें सब्जी अनाज पहुँचता है, तो इनका लगवाना ज़रूरी है क्योंकि किसी तरह की बीमारी ना फैले, ये हमें ध्यान रखकर आज हमने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया। तो महाराज जी, एक और क्वेश्चन हमारा, 3 महीने का गैप क्यों रखा जाता है वैक्सीनेशन कैंप? 3 महीने का वैक्सीनेशन में गैप कोविड शील्ड वैक्सीन में रखा जा रहा है, दूसरा कोवैक्सीन है उसमें 1 महीने का है। ये जो इसकी लगाने की डोज है उसका असर
लोगों तक सही रूप में पहुंचे, उस लिए ये लगाया जा रहा है 3 महीने का गैप। आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के जरिए? मैं आज इस कैंप के जरिए सभी लोगों को ये अनुरोध करता हूं, जो आज तक वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं, वो समाज में सहयोग दें। जहां भी उनके नज़दीकी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां वैक्सीन जरूरी लगाएं, ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीन के बिना कोविड में आप किसी भी तरह से इसकी आप बीमारी से रोकथाम नहीं कर सकते। कोविड शील्ड या कोवैक्सीन कोई भी लगी होगी तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता पा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आज रुद्राक्ष सेना हरियाणा, खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और स्वामी जी के सानिध्य में आज सभी चौथा वैक्सीनेशन कैंप आज यहाँ सब्जी मंडी में लगाया गया है, हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जो समय समय पर स्वामी जी के सानिध्य में हमारे धनखड़ साहब, हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू साथी साहिल मग्गू जी, ततयाल साहब, हमारी बहन जी खड़ी हैं, और ये जो वैक्सीनेशन कैंप, मैं विशेष तौर पर इन स्टाफ का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया, और आज कोरोना की लड़ाई जिसमें हमारे को क्षति भी बहुत हुई है, हम उन जाने वाले जो कोरोना में साथी गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं आगे से हमारे देश के ऊपर परमात्मा रहम करे और सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये समाज का कार्य जिस तरह ये सारी टीम कर रही है, डॉक्टर हिमांशु खड़े हैं आज, इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं कि जो समय समय रहते ये समाज के लिए कार्य करते हैं, और सभी साथियों के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, जिला महासचिव रुद्राक्ष सेना, फाउंडर खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज हमने यहाँ सब्जी मंडी के अंदर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी भी है लगभग 100-150 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। मैं आज के सभी आयोजकों का, महाराज जी का, प्रधान जी का, हमारे जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग जी का, और अजय धनखड़ जी का, डॉक्टर हिमांशु का, और खिलते चेहरे और रुद्राक्ष सेना की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारी मैडम आई हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है, और इसको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं सभी पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक माला देना जी। कब से कब तक लगाते हो अंकल जी? इसमें थैली में डाल देना एक अंकल जी। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहती है आपकी लगाने की? हमारी जी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक। छुट्टी भी करते हो किसी दिन की? छुट्टी भी करते हैं जी, हम तो ज़्यादा ये होली से 2-3 दिन और बाद में लगाएंगे, और उसके बाद फिर तो आज जैसे त्यौहार है तो आज भी 6 बजे तक ही रहोगे आप? आज भी 6 बजे तक ही रहोगे, त्यौहार वाले दिन भी थोड़ा लेट भी होता, पूजा वूजा भी करनी होती है ना, वो लक्ष्मी पूजन की। हाँ जी, ये भी तो बेचना पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं। हाँ ये तो है ही, ये बिल्कुल, काम बिना तो कुछ है ही नहीं, काम तो पहले नंबर पे है। बिल्कुल जी, यही कह रहा था सर। कितने हो गए सर? कितना चार्ज? 20 रुपये। लो अंकल जी, खुले दे। कोई नहीं, लो पकड़ो, रखो आप। दिवाली है ना, कोई नहीं, दिवाली मनाओ आप मेरे तरफ से, और ये एक आपके लिए मिठाई, बच्चों के साथ है ना, आराम से सेलिब्रेट करो आप दिवाली, ठीक है? और खुश रहो हमेशा, अच्छी तरक्की करो, और हैप्पी दिवाली अगेन।
ठीक अंकल जी, बाय। क्या एहसान नहीं है वो अपने? कोई नहीं, रखो आप ही, ये आपके लिए ही है। ठीक है, आप रखो इनको अपने पास। नमस्कार आंटी जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति है? नहीं, बड़े वाली जो दीवारों की लग जाती है वो वाली, फ्रेम में हो कोई? शिवलिंग बड़ा भी इसे, शिवलिंग बड़ा है इसे क्या? ओके, पूजन का सामान हो, पूजन का सामान कोई और कुछ नहीं? कितने बजे तक बैठा करो यहाँ पे? कितने बजे तक बैठते हो रोज, या फिर दिवाली के टाइम पे लगे हो? दिवाली, ये वाली मूर्ति कितने की? ये वाली दिखाना एक बार, हाँ दिखाना एक बार। लो इतने पैक कर दो एक बार, थैली हो ना तो थैली में डाल देना। लोन पे दिए रखो आप, है ना, ये रख लो। कोई नहीं आंटी जी, रखो, दिवाली है, त्योहार है। और आंटी जी बालक बच्चे वो नहीं करते काम? अच्छा अच्छा, शादी कर रखी बच्चों की? शादी कर रखी है? कितने साल हो गए? 13-14 साल। अब आप यहाँ कब से बैठने लगे थे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पहले? ठीक है, जिस लोग मेरी कभी जरूरत हो ना, जो कार्ड है मेरा, जो सुनारिया चौक है ना अपना, यहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल, इसमें आप कभी भी आ सकते हो, मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, फ्री सब कुछ इलाज। और एक ये आपके लिए दिवाली की मिठाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक आंटी जी, खुश रहो। हाँ ठीक आंटी जी, Thank you.
वगैरह का कवर कर लेना, ठीक है। Okay.
से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया। भूतानंद सूर्यवंशी। सर, आज का ये वैक्सीनेशन किन की तरफ से चला हुआ है? आज का ये वैक्सीनेशन कैंप यहाँ नई सब्जी मंडी में रुद्राक्ष सेना हरियाणा और खिलते चेहरे सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। आपने अभी तक कितने कैंप चलाए हैं? ये हमारा टीम का चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। इससे पहले यहाँ अप्रैल महीने में यही मंडी में लगाया गया था और एक कैंप हमने सेक्टर 4 महादेव मंदिर में लगाया था और ये हमारा आज फिर यहाँ पे चौथा वैक्सीनेशन कैंप है। तो सर, आज नई अनाज मंडी के अंदर कैंप चला रखा आपने वैक्सीनेशन, ये आम लोगों के लिए भी है या फिर जो अनाज मंडी के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके लिए? यह सभी के लिए है। संयुक्त रूप से अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह यहाँ पर लेबर क्लास जो कि यहाँ इंजेक्शन से वैक्सीन से वंचित रह गई थी उनको लगवाने का प्रयास है, क्योंकि इनके हाथों से ही हर घर में चीज़ें सब्जी अनाज पहुँचता है तो इनका लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी तरह की बीमारी ना फैले ये हमें ध्यान रखकर आज हमने यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया। तो महाराज जी, एक और क्वेश्चन हमारा, 3 महीने का गैप क्यों रखा जाता है वैक्सीनेशन कैंप? 3 महीने का वैक्सीनेशन में गैप कोविड शील्ड वैक्सीन में रखा जा रहा है, दूसरा कोवैक्सीन है उसमें 1 महीने का है। ये जो इसकी लगाने की डोज है उसका असर लोगों तक सही रूप में पहुंचे उस लिए ये लगाया जा रहा है 3 महीने का गैप। आप आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के जरिए? मैं आज इस कैंप के जरिए सभी लोगों को यह अनुरोध करता हूं, जो आज तक वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं वो समाज में सहयोग दें। जहां भी उनके नज़दीकी जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं वहां वैक्सीन जरूरी लगाएं, ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीन के बिना कोविड में आप किसी भी तरह से इसकी आप बीमारी से रोकथाम नहीं कर सकते। कोविड शील्ड या कोवैक्सीन कोई भी लगी होगी तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता पा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं गुलशन डंग, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, आज रुद्राक्ष सेना हरियाणा, खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और स्वामी जी के सानिध्य में आज सभी चौथा वैक्सीनेशन कैंप आज यहाँ सब्जी मंडी में लगाया गया है हमारे सभी साथियों के सहयोग से, जो समय समय पर
स्वामी जी के सानिध्य में हमारे धनखड़ साहब, हमारे छोटे भाई बहुत ही जुझारू साथी साहिल मग्गू जी, ततयाल साहब, हमारी बहन जी खड़ी हैं, और ये जो वैक्सीनेशन कैंप, मैं विशेष तौर पर इन स्टाफ का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। जब कोरोना के पीक टाइम पे भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज के लिए ये कार्य किया, और आज कोरोना की लड़ाई जिसमें हमारे को क्षति भी बहुत हुई है, हम उन जाने वाले जो कोरोना में साथी गए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं आगे से हमारे देश के ऊपर परमात्मा रहम करे और सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये समाज का कार्य जिस तरह ये सारी टीम कर रही है, डॉक्टर हिमांशु खड़े हैं आज इनको हम सम्मानित कर रहे हैं, सभी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ और इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि जो समय समय रहते ये समाज के लिए कार्य करते हैं, और सभी साथियों के लिए मैं उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं साहिल मग्गू, जिला महासचिव रुद्राक्ष सेना, फाउंडर खिलते चेहरे सोशल सोसाइटी और युवा जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज हमने यहाँ सब्जी मंडी के अंदर चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगभग 350 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अभी भी है लगभग 100-150 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। मैं आज के सभी आयोजकों का, महाराज जी का, प्रधान जी का, हमारे जो राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुलशन डंग जी का, और अजय धनखड़ जी का, डॉक्टर हिमांशु का, और खिलते चेहरे और रुद्राक्ष सेना की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारी मैडम आई हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए, उनका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी चल रहा है, और इसको 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन से ही दूर किया जा सकता है। मैं सभी पूरे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। एक माला देना जी। कब से कब तक लगाते हो अंकल जी? इसमें थैली में डाल देना एक अंकल जी। हाँ जी। टाइमिंग क्या रहती है आपकी लगाने की? हमारी जी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। 6 बजे तक। छुट्टी भी करते हो किसी दिन की? छुट्टी भी करते हैं जी। हम तो ज़्यादा ये होली से 2-3 दिन और बाद में लगाएंगे, और उसके बाद फिर तो आज जैसे त्यौहार है तो आज भी 6 बजे तक ही रहोगे आप? आज भी 6 बजे तक ही रहोगे? त्यौहार वाले दिन भी थोड़ा लेट भी हो सकता। पूजा वूजा भी करनी होती है ना, वो लक्ष्मी पूजन की? हाँ जी। ये भी तो बेचना पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं। हाँ ये तो है ही, बिल्कुल। काम बिना तो कुछ है ही नहीं, काम तो पहले नंबर पे है। बिल्कुल जी, यही कह रहा था सर। कितने हो गए सर? कितना चार्ज? 20 रुपये। लो अंकल जी, खुल ले दे। कोई नहीं, लग पकड़ो, रखो आप। दिवाली है ना, कोई नहीं, दिवाली मनाओ आप मेरे तरफ से, और ये एक आपके लिए मिठाई, बच्चों के साथ है ना, आराम से सेलिब्रेट करो आप दिवाली, ठीक है? और खुश रहो हमेशा, अच्छी तरक्की करो, और हैप्पी दिवाली अगेन। ठीक अंकल जी, बाय। क्या एहसान किया वो अपने? कोई नहीं, रखो आप ही, ये आपके लिए ही है, ठीक है? आप रखो इनको अपने पास। नमस्कार आंटी जी। लक्ष्मी जी की मूर्ति है? नहीं, बड़े वाली जो दीवारों पे लग जाती है वो वाली, फ्रेम में हो कोई? शिवलिंग बड़ा भी है इससे? शिवलिंग बड़ा है इससे? क्या ओके, पूजन का सामान हो? पूजन का सामान कोई और कुछ नहीं? कितने बजे तक बैठा करो यहाँ पे? कितने बजे तक बैठते हो रोज?
या अभी दिवाली के टाइम पे लगे हो? दिवाली ये वाली मूर्ति कितने की? ये वाली दिखाना एक बार। हाँ दिखाना एक बार। लो इतने पैक कर दो एक बार, थैली हो ना तो थैली में डाल देना। लोन पे दिए रखा आप है ना, ये रख लो। कोई नहीं आंटी जी, रखो दिवाली है त्योहार है। और आंटी जी बालक बच्चे वो नहीं करते काम? अच्छा, शादी कर रखी है बच्चों की? शादी कर रखी है? कितने साल हो गए? 13-14 साल। ठीक है, अब आप यहाँ कब से बैठने लगे थे? 3 दिन हो गए। 3 दिन से पहले? ठीक है अंकल जी, लोग मेरी कभी जरूरत हो ना, जो कार्ड है मेरा, जो सुनारिया चौक है ना अपना, यहाँ पे है मेरा हॉस्पिटल, इसमें आप कभी भी आ सकते हो, मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, फ्री सब कुछ इलाज। और एक ये आपके लिए दिवाली की मिठाई, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक आंटी जी, खुश रहो। हाँ ठीक आंटी जी, भाई भाई भाई।